मरीजों को गुणवत्ता युक्त सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो इसके लिए सरकार ने जनऔषधि केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत आम लोगों के लिए बड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी योजना शुरू की है। इस योजना की जानकारी देते हुए संचालक अंकुर मानसिंगा ने बताया कि इस योजना के तहत आम लोग कम रेट पर सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं। इन जनऔषधि केंद्रों में करीब 1000 से ज़्यादा प्रकार की जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं। इन जेनेरिक दवाइयों की खास बात यह होती है कि ये दवाएँ जिस सॉल्ट से बनी होती हैं उसी के नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि अगर दर्द और बुखार की दवा पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो ये जेनेरिक दवा कहलाएगी, लेकिन किसी ब्रांड के नाम से अगर इसे बेचा जाए तो ये ब्रांडेड दवाएं कहलाएंगी। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं और ब्रांडेड दवाएं महंगी होती हैं। ऐसे में आप जन औषधि केंद्र से ये दवाएं सस्ते दामों पर, बेहद ही सस्ते दामों पर आप पा सकते हैं। भीलवाड़ा में जन औषधि केंद्र महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास माणिक्य नगर में संचालित हो रहा है, वहीं इसकी दूसरी शाखा गांधीनगर में भी स्थापित की गई है। इसकी जानकारी देते हुए जन औषधि केंद्र के संचालक अंकुर मानसिंगा ने बताया कि पटरी पार के बापूनगर, गांधीनगर, आजाद नगर सहित अन्य क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की शाखा गांधीनगर पुराना आरटीओ रोड हर्ष पैलेस होटल के पास चित्रकूट टावर के पास में स्थापित की गई है। तो लोग यहाँ पर आए और जेनेरिक दवाइयों की बेहद ही कम मूल्य पर लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महती बहुत अच्छी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है जो कि 50 से 90% तक उपलब्ध है। ये वही दवा है जो बाजार में आपको महंगी मिलती है और वही सोल्ट आपको जो बाजार में 200 रुपये का मिल रहा है वो यहाँ आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। कितनी दवाएं हैं आपको उपलब्ध? यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 दवाएं उपलब्ध है। शहर में कितनी संचालित दुकानें? ये दुकानें दो जगह संचालित है, एक महात्मा गांधी अस्पताल के पास माणिक्य नगर रोड पर स्थित है, दूसरी दुकान यहाँ पर गांधीनगर में पुराना आरटीओ रोड हर्ष पैलेस के पास, हर्ष पैलेस होटल के पास स्थित है। इस काउंटर को खोलने का मेन उद्देश्य यही था कि भाई आजाद नगर, बापू नगर, चंद्रशेखर आजाद नगर और गांधीनगर जैसे जो बड़े इलाके हैं उन लोगों को वहाँ दूर नहीं जाना पड़े और यहीं से वो दवा उनको उपलब्ध हो जाए। इसमें बेनिफिट यह रहेगा कि लोगों को जो दवाएं जिनका मंथली बिल 20 मतलब 2000, 3000, 4000 रुपये का आता है उनका दवाएं का मंथली बिल 500, 1000, 1500 रुपये ही रह जाएगा। सब दवाएं वही है और अच्छी क्वालिटी की है और नेबल टेस्टेड है और WHO सर्टिफाइड कंपनियों के द्वारा निर्मित है। सरकार भी तरह तरह की योजनाएं करती है, जैसे 7 मार्च को एक जन औषधि दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी उस पर ऑनलाइन टीवी पर भाषण देंगे और संस्था इसमें योजना के बारे में बताएंगे। इसको चालू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसको उद्देश्य यही था कि जो गरीब तबके का के लोग हैं जिनको दवाएं नहीं मिलती और दवाओं के कारण कितनी बार उनकी जान भी चली जाती है तो उनको दवाएं मिले और उनकी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। संचालित है भीलवाड़ा में ये दो जगह संचालित है, इसकी मुख्य शाखा MG हॉस्पिटल के पास माणिक्य नगर रोड पर स्थित है, दूसरी शाखा पुराना आरटी रोड गांधीनगर चित्रकूट टावर के पास हर्ष पैलेस रोड पर स्थित है।